Good morning, student. Now we will start practice set 3.1. Yesterday हम लोगों ने क्या देखा था? Theorems देखा था. That is remote interior angle theorem देखा था हम लोगों ने. So आज हम क्या देखने वाले हैं? Practice set 3.1. Okay. So first question is in figure angle ACD. Right? Angle ACD is a exterior angle of triangle ABC. Then angle B is 40. That is 40. Okay, then angle A is a 70. So find the measure of angle ACD. हम orally भी बता सकते हैं. Property में देखा था. इन दोनों की sum क्या आएगी? यहाँ पर 110. वो किसकी equal रहेगी? ACD. मतलब ACD क्या रहेगा यहाँ पर? 110. But orally हमें नहीं लिखना, orally नहीं बताना है यहाँ पर. हमें लिखना है, straight लिखनी है. Okay? So first of all we write here. That is angle B. सबसे पहले हम लिखेंगे angle ACD is an exterior angle. Okay, exterior angle of triangle ABC. Okay, then angle A equals to 70. Then angle B equals to 40. Okay, और क्या find out करना है हमें? Angle ACD. ओके, देन हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा हमारा जो हम लोगों ने जो थ्योरम देखा था उसमें स्टेटमेंट क्या था? मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल. सो लिखते हैं यहाँ पर एंगल एसीडी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. आप ऐसा भी लिख सकते हो यार, आप ऐसा लिखो एबीसी प्लस एंगल बीएसी. ओके, बोथ आर सेम. और रिजल्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? लिखेंगे थ्योरम ऑफ इंटीरियर थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल. ठीक है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल. एंगल एबीसी, एबीसी कितना है यहाँ पर? बी कितना है हमारे पास? बी है यहाँ पर 40. देन बीएसी दैट इज ए कितना है हमारे पास? 70. तो क्या हो जाएगा? 70 प्लस 40 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 108. सो एंगल एसीडी इक्वल्स टू 110. हाँ, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सेकंड आपको होमवर्क करना है. क्या दिया हुआ इन ट्राइंगल पी क्यू आर? एंगल पी 70. ओके, यहाँ पर आपको साइड करके बताती हूँ. एंगल पी दिया है 70, देन एंगल क्यू है 65. ओके, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल आर. एंगल आर फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहाँ पर 70, 65 और आर. देखो, सपोज ये ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, ये साइड दी हुई है, ये साइड, ये एंगल दिया हुआ है सॉरी, और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? हमें पता है कि एंगल के तीनों, सॉरी ट्रायंगल के तीनों साइड की एडिशन क्या होती है? 180. ओके, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180. इन तीनों एंगल्स की एडिशन क्या हो गया यहाँ पर? 180. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180. और रीजन भी लिखेंगे हम कि जो एंगल की सॉरी ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180. ओके, देन एंगल पी की वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों की एडिशन करके 180 में से माइनस कर देंगे. जो आंसर आएगा वो किसका रहेगा? एंगल आर. ओके, है इजी. आपको सेकंड भी एग्जांपल सॉल्व करना है. देन थर्ड देखते हैं हम. The measure of angles of triangles are x degree, then x minus 20 degree and x minus 40 degree. Find the measure of each angle. Suppose there is a triangle ABC, consider कर लेते हैं. So right here, suppose there is a triangle ABC. Okay, suppose हमारे पास
पास एक ट्रायंगल एबीसी है, राउंड डायग्राम बना दी मैं, ठीक है। और हमें क्या दी हुई है यहाँ पर, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तीन साइड का हमें मेजरमेंट दी हुई है, दैट इज एक्स, एक्स माइनस 20 एंड एक्स माइनस 40, ठीक है, ये दिया हुआ है। सो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, सपोज यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एक्स, देन एंगल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 20, देन एंगल सी इक्वल्स टू एक्स माइनस 30, ओके। देन हमें पता है तीनों ट्राइंगल की, तीनों एंगल्स की जो एडिशन रहती है वो कितनी रहती है, 1। सो राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 1। क्या लिखेंगे इधर, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 1, ओके। देन एंगल ए मीन्स एक्स, एंगल बी मीन्स एक्स माइनस 20 प्लस एंगल सी मीन्स एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 180, ओके। देन एक्स 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 कितने एक्स हो जाएंगे, 3x, सो राइट हियर 3x माइनस 20 माइनस 40 दैट इज माइनस 60 इक्वल्स टू 180। देन 3x एज इट इज, 180 एज इट इज, ये माइनस 60 उधर शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, प्लस 60, सो राइट हियर प्लस 60, ठीक है। 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x इक्वल्स टू 180 प्लस 60 दैट इज 240। देखो यहाँ पर 8 प्लस 6 4 14, देन 4 और 1 कैरी करते तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 240। देन x इक्वल्स टू 240 अपॉन 3, यहाँ तक होगा हम लोगों का x इक्वल्स टू 240 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा देखो 80, 3 8 24 और ये 0, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 80। यहाँ तक समझो आपको कैसे किया है, सबसे पहले हम लोगों ने तीनों एंगल के एडिशन किए, देन वैल्यू पुट अप करके x की वैल्यू फाइंड आउट किए, x इक्वल्स टू क्या आया हमारा 80, सो x की जो वैल्यू रहेगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, सो एंगल a इक्वल्स टू x दैट इज 80, देन एंगल b इक्वल्स टू x माइनस 20 दैट इज 80 माइनस 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60, देन एंगल सी इक्वल्स टू एक्स माइनस 40 इट मीन्स 80 माइनस 40 दैट इज 40, ओके। हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पर, 80 60 एंड 40, ओके। एक्स के हमें यहाँ पर तीनों साइड की क्या कहा था यहाँ पर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हमें एंगल की हर एक एंगल की यहाँ पर वैल्यू मिल गई, एंगल ए है 80, एंगल बी है 60 एंड एंगल सी है यहाँ पर 40, है इजी। देन नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, ए बी सी, ओके। इन ट्रायंगल
एबीसी में क्या करेंगे, हम तीनों साइड के एडिशन करेंगे. सो राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. रिजल्ट क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल इज 180. ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आपको पूरा लिखना है. देन एंगल ए मीन्स एक्स, एंगल बी मीन्स 2x एंड एंगल सी मीन्स 3x इक्वल्स टू 180. ओके, देन 2 + 1 = 3 एंड 3 + 3 = 6. यहाँ पर 1 रहता है, आपको बात ध्यान में रखनी है. ठीक है, 2 + 1 = 3 एंड 3 + 3 = 6 इक्वल्स टू 180. सो एक्स इक्वल्स टू 180/6. सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 + 8 दैट इज 3 एंड 0 मीन्स 30. ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके आगे हमारे पास 30. सो हम ये वैल्यू कहाँ पर पुट कर देंगे, एंगल बी और एंगल सी के इसमें. सो एंगल ए दैट इज एक्स इक्वल्स टू 30, देन एंगल बी इक्वल्स टू 2x मीन्स 2 × 30 दैट इज 60. ओके, देन एंगल सी मीन्स 3x दैट इज 3 × 30 मीन्स 90. ओके, मिल गए हमें यहाँ पर एंगल बी एंगल सॉरी एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी. हो गया हमारे आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है. आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, वो भी बहुत इजी है. आपको अच्छे से उसे समझ लेना है, देन उसे सॉल्व करना है. ओके, आई होप आपको ये समझे होंगे क्वेश्चन जो आपको आज मैंने बताया. ओके, थैंक यू.